आइडियल इंडिया टीवी, हर खबर बेफिकर, सब्सक्राइब नाउ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में राजनीति अब सर्दी के मौसम में माहौल को पूरी तरह गर्म कर चुकी है। चाहे परिणामों के 80-20 की बात हो या गर्मी शांत करने की बात, हर तरफ चर्चाओं का जोर तेज होता नजर आ रहा है। विधानसभा चुनावों में जातियों के साथ साथ धर्म को भी लगातार समावेशित होना पड़ता है। हिंदू मुस्लिम की बात भी राजनीतिक मंचों से सार्वजनिक रूप से खूब सुनाई देती है। ऐसे में मुस्लिम किस पार्टी में जाएगा और हिंदू किस पार्टी को समर्थन देगा, ये भी लगातार राजनीतिक दलों के मुख्य मुद्दों में शामिल रहता है। वर्तमान परिस्थितियों में हिंदू की राजनीतिक करवट क्या है? हिंदू मतदाता आधिकारिक संख्या में किस पार्टी में अपना रुझान और समर्थन देगा, इस मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। उनसे खास बातचीत की आइडियल इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ जितेंद्र त्रिवेदी ने। जानिए यूपी में होने वाले चुनावी मुद्दों पर क्या क्या खास चर्चाएं हुई। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जितेंद्र, आपका होस्ट, आपका दोस्त। कैसे हैं आप सब लोग? बात करेंगे उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव, और विधानसभा चुनाव इस समय पूरे शबाब पर है, पीक पर है। नेताओं के कड़वे बोल, बिगड़े बोल, अच्छे बोल, तमाम तरह के बयान आपके सामने आ रहे हैं। लगातार आप नेताओं के बयानों से रूबरू हो रहे हैं। जातिगत आंकड़ों का और जातिगत जो समीकरण है वो विधानसभा चुनाव में बहुत मायने रखता है, बेहद अहम माना जाता है। जातियों का समीकरण, जातियों का गणित खेल कराता है, पूरा खेला होता है। पार्टियां अपने अपने तरह से जातियों को अपने पाले में खींचने का प्रयास करती हैं। इसी बीच हमारे साथ विधानसभा चुनावों के दौरान एक बड़ा स्टैंड लेने वाली संस्था है नव हिंदू सभा। नव हिंदू सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुपम वाजपेयी जी आज हमारे साथ खास मेहमान हैं, जुड़े हैं आइडियल इंडिया टीवी के लिए। उनसे मुलाकात करते हैं, जानेंगे कि हिंदू समाज के लिए वो क्या कर रहे हैं, हिंदू समाज का क्या इस चुनाव में रुझान रहेगा, और हिंदू जो 80-20 की बात हो रही है उसमें किस करवट बैठेगा और कितना समीकरण उत्तर प्रदेश के खासकर विधानसभा चुनावों में बनेंगे और बिगड़ेंगे। अनुपम जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं, नव हिंदू सभा क्या है, इसकी भूमिका? नितिन जी, आपने चीज देखी है कि तमाम हिंदू सभा संगठन है, इसमें हमने नव क्यों कहा है? नव मतलब नवीन, इसके जो विचारधारा, पुरानी विचारधारा हम उसको लेकर चलना है, उसका नवीनीकरण, जैसे किसी प्रकार किसी लाइसेंस होता है उसका नवीनीकरण किया जाता है, रिन्यूअल किया जाता है। तो हिंदुत्व, जो पुराना हिंदुत्व था उसका रिन्यूअल करना है। हमारे पुराने समय भगवान राम भी शस्त्र लेकर चलते थे, शास्त्र लेकर चलते थे, भगवान श्री कृष्ण भी चलते थे। हम ये कहते हैं शास्त्र के साथ साथ शस्त्र भी लेकर चलना चाहिए, हिंदुत्व का काम है। हमें अगर समस्या को निपटाना है तो दोनों प्रकार से निपटाना पड़ेगा। ये हमारी बस सोच है हम लोगों की, नव हिंदू सभा की, ये हमारा कार्य है। राजनीति में क्या दखल रहेगा, किस तरह से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में आपके संगठन की भूमिका रहेगी और क्या इसके बारे में आपने रूपरेखा तय की है? जी, मेन चीज ये है कि हिंदुत्व, हिंदू सभा है, हिंदुत्व की बात कर रही है। इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर काल की खाली जो भारतीय जनता पार्टी है वो हिंदुत्व की बात कर रही है। तो हम लोगों ने पूरा हमारे जिलाध्यक्ष जितने सबकी हमने आपस में वार्ता हुई है, लगभग हमारे पास 70 जिलाध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, और हम सब लोग अभी 6 तारीख को हम लोग लखनऊ में घोषणा भी करने जा रहे हैं। नव हिंदू सभा हम भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करेगी, और हिंदुत्व को लेकर लड़ाई लड़ रही है और हिंदुत्व के मुद्दे पर भाजपा का समर्थन कर रही है, सहयोग करेगी और सभी 403 सीटों पर पूरी तरीके से, पूरी मेहनत से उसे लड़ाएगी। लगातार पिछले कई चुनावों से, कई वर्षों से राजनीति में इस तरह के बयान देखे जा रहे थे या इस तरह के पार्टियों के स्टैंड देखे जा रहे थे। मसलन बात करें समाजवादी पार्टी की या अभी ये ऑल इंडिया जो MIM ओवैसी की पार्टी है, ये लगातार इस्लाम को फोकस करते हैं, मुसलमानों को फोकस करते हैं। तो क्या ये वाकई में मुस्लिमों का भला चाहते हैं, समाज के लिए मुस्लिमों को एक साथ इकट्ठा करके एक मंच पे लाके ये हिंदुओं को एक हाशिए पे रखने का प्रयास है? आप हिंदू संगठन बना के चला रहे हैं, उधर मुस्लिम संगठन चल रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि ये समाज में खाई को चौड़ा किया जा रहा है या फिर एक तरफ से किया जा रहा है या दोनों तरफ से ये रिएक्शन हो रहा है? भाई मैं कहना चाहता हूँ, ये जो समय कह रहे हैं हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं, देखो समाजवादी पार्टी है IIM अपने आप में भारतीय जनता पार्टी के प्रचार कर रहे हैं। जितनी इस्लाम की बात करेंगे, हिंदू जागरूक हो चुका है, हिंदू जान रहा है ये केवल इस्लाम की बात करते हैं, तो बचा हुआ 80% जो अभी भाजपा के लोग कह रहे हैं 80-20 का चुनाव है, एक बात इस्लाम की करेंगे तो शेष बचा हुआ है
हिंदू वो तो भारतीय जनता पार्टी के साथ में हो जाएगा एक बार। दूसरी बात कह रहे खाई की बात है, आप ये बताइए जो 1947 में बंटवारा, वो बंटवारा का आधार क्या था? अगर हिंदू मुसलमान भाईचारे से रह सकते तो इससे बंटवारे की जरूरत ही क्या थी? अब बताइए खाई की किसने, खाई जब भारत का जन्म ही खाई के आधार पर हुआ है। हम ये कहें कि भाईचारा की बात हम कर रहा तो बेईमानी है भाई। हिंदू जब भारत का बंटवारा ही भाईचारे किस पे हुआ है कि भाईचारा नहीं था, हिंदू मुसलमान साथ नहीं रह सकता है, इसलिए भारत का बंटवारा हुआ। लेकिन जब वहाँ साथ रह नहीं सकता था, यहाँ रुकने की जरूरत भी नहीं थी। ये हमारे देश के जो कर गए नेता लोग गलत कर गए हैं। मैंने अपने शुरुआत में जो नेताओं के लीडर्स हैं उनके बयान की बात की थी। अभी हाल ही में ओवैसी ने एक मंच से सार्वजनिक तौर पर खुलेआम बयान दिया था कि योगी जी मठ चले जाएंगे, मोदी कंदरा गुफाओं में चले जाएंगे। तो ऐसे में स्थिति में अनुपम वाजपेयी हिंदू सभा क्या करेगी? देखिए ओवैसी जी कोई भविष्यवक्ता तो है नहीं, जो बता दे कौन कहाँ जाए, उन्हें खुद ही मालूम कहाँ जाएंगे, हैदराबाद जाएंगे कि पाकिस्तान जाएंगे। ये ओवैसी जी कोई भविष्यवक्ता तो है नहीं, जो बता दे कौन कहाँ जाए, उन्हें खुद ही मालूम कहाँ जाएंगे, हैदराबाद जाएंगे कि पाकिस्तान जाएंगे। ये ओवैसी जी कोई भविष्यवक्ता तो है नहीं, जो बता दे कौन कहाँ जाए, उन्हें खुद ही मालूम कहाँ जाएंगे, हैदराबाद जाएंगे कि पाकिस्तान जाएंगे। उनका खुद का भरोसा नहीं तो दूसरे क्या बताएंगे, योगी जी कहाँ जाएंगे, मोदी जी की कहाँ जाएंगे। सब जान रहे उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा सरकार आ रही है और 24 में भी जो चुनाव आ रहा है लोकसभा उसमें भी योगी मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। पहले भी ये कहते तो 19 में नहीं आएंगे मोदी जी चाहे तो, ये कोई वो थोड़ी भविष्यवक्ता थोड़े, अपनी चिंता करें, जो मोदी जी की चिंता ना करें। अच्छा आप मूलतः कन्नौज से बिलोंग करते हैं, कन्नौज जनपद के मूल निवासी हैं, वहीं आपका पूरा पालन पोषण शिक्षा दीक्षा हुई। कन्नौज जनपद में मुस्लिमों की बात करते हैं, जो मुसलमानों की बड़ी हिमायती पार्टी समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी ने छिबरामऊ, कन्नौज सदर सीट और तिरवा तीनों विधानसभा से एक भी मुस्लिम प्रत्याशी नहीं बनाया। तो क्या लगता है कि ये जो मुस्लिम वोटर्स हैं उनका वोट तो लेना पसंद करते हैं लेकिन प्रत्याशी देना पसंद नहीं करते, इसके पीछे भी कोई कारण हो सकते हैं उनके? देखिए मेन चीज है ये समाजवादी पार्टी लेना जानती है देना नहीं जानती है। पहले हम भी अच्छे समाजवादी पार्टी प्रत्याशी रहे थे, एक बार हमें साथ रहे लेकिन हमें चुनाव लड़े का वोट नहीं दिया उन्होंने। ये लोग इस समाजवादी पार्टी के अंदर की बड़ी गंदी आदत है, ये खाली यूज करना जानते हैं, अपने मतलब के लिए मुसलमान को यूज कर रहे हैं, अपने मतलब के लिए ब्राह्मण को यूज कर रहे हैं, अपने मतलब के लिए बड़ी बेस्ट को यूज कर रहे हैं। ये सबको खाली यूज एंड थ्रो है इनका सिस्टम। आप कन्नौज जनपद की बात कर रहे हैं, कन्नौज जनपद में जितनी सीटें थी अभी ब्लॉकों के चुनाव हुए, यहाँ जितने ब्लॉक थे किसी में जो खाली रिजर्व छोड़ दीजिए, बात बाकी सब यादव लड़ा रहे हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष यादव लड़ाते हैं। ये सिंगल एक जात की पार्टी और कुछ नहीं है इसके अलावा, इनके पास कोई फंडा नहीं है, सब है बेवकूफ बनाना है, कुछ नहीं है इनके पास। आप लखनऊ में बैठ के संगठन का काम देख रहे हैं, पूरे यूपी पर आपकी चुनावों पर नजर है, तो मैं बात करूँ कन्नौज जनपद, क्या कन्नौज पे ध्यान दे रहे हैं? नहीं कन्नौज बिल्कुल ध्यान दे रहे हैं, कन्नौज हम लोग मेहनत कर रहे हैं, कन्नौज में लगभग सब सीटों पर हम लोग भाजपा को जिताने का प्रयास भी करेंगे। आपकी मंत्री जी से सीधी सीधी बात मैं कहता हूँ, मंत्री जी से अदावत थी छिबरामऊ विधायिका श्रीमती अर्चना पांडे से, लंबा अरसा बीता, कुछ मनमुटाव हो सकते हैं, वजह क्या थी मैंने अंदर तक जानने की कोशिश नहीं करूंगा, वो आपकी व्यक्तिगत भी सवाल हो सकते हैं, समस्याएं हो सकती हैं। इस चुनाव में अभी आपने हाल ही में समर्थन दिया, तो इसे किस तरह से देखते हैं, क्या फैसला लिया और क्यों लिया, वजह क्या थी इसके पीछे, और अब आगे भविष्य में इसी 20 तारीख को चूंकि इलेक्शन होना है तो किस हद तक मदद करेंगे छिबरामऊ विधायक की? पहली चीज हमारी इनसे कोई अदावत नहीं है, हमारी मौसी है। पहली चीज हमारी इनसे कोई अदावत नहीं है, हमारी मौसी है। पहली चीज हमारी इनसे कोई अदावत नहीं है, हमारी मौसी है, हमारी सम्मानी है, वो बड़ी है उनसे, हमें कोई अदावत आज तक नहीं रही। 17 के चुनाव में हमने पूरी तरीके से उनकी मदद की और आगे भी 20 तारीख को आप लोग देखेंगे, हम पूर्णतः हम लोग हमारे जितने साथ में लोग हैं आज भी क्षेत्र में गए हैं और कल भी क्षेत्र में रहे हम, आज लोग भाजपा के पक्ष में मूड में वोट बना चुके हैं, मन बना चुके हैं कि यहाँ पर श्रीमती अर्चना पांडे को जिताना है। यहाँ ऐसा ये परिवार है यहाँ पे अर्चना जी का और यहाँ पे हम सब लोग ज्यादातर लोग सबका एक रिश्ता है आपस में, मनमुटाव नहीं रहता, हम लोग उनसे डांटती हैं, हमें प्यार भी करती हैं, तो सब चलता रहता है। एक समाज में आम धारणा है, एक र्यूमर कह लें या पीछे के जो हुए हैं कमेंट उन पे, तो अभी फिलहाल कैसे सोशल मैसेज पास करेंगे कि आप बिल्कुल साथ हैं और कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, खासकर छिबरामऊ परिप्रेक्ष्य में हम बात करेंगे तो? देखिए छिबरामऊ परिप्रेक्ष्य में हर तरीके से साथ है, वो जानती भी हैं और क्षेत्र के लोग भी जानते हैं, इसे कहने को जो होते हैं। आपने सार्वजनिक किया किसी सार्वजनिक मंच से या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आपने सार्वजनिक किया कि मैं साथ हूँ? आज ही हमने पोस्ट डाली है, हमने कहा साफ स्पष्ट किया, निवेदन किया लोगों से
थोड़ी नाराजगी होती है, प्रत्याशी है, मंत्री भी रही है तो लोगों में नाराजगी वो कहते हैं लोग, लेकिन सब 20 तारीख तक सब वोट देंगे, सब भाजपा के साथ में, परिवार में एक दूसरे को कहते रहते सब आपस में कि हमें तुमसे ये कहना है, दिक्कत तो उनमें डाला भी है आज कि नाराजगी हो सकती है, लेकिन लोग साथ में खड़े हैं उनके और उनका लगाव है, क्षेत्र से जुड़ी रही है, वो जमीनी नेता है और उनके साथ पब्लिक है उनके साथ में, और आज 10 मार्च जो वोट खुलेंगे तब जान भी जाएंगे लोग क्या पढ़ा हमें न बिंदु सभा का विधानसभा चुनावों में क्या रोल है, क्यों पार्टियां और भी थी, क्या जरूरत लगी आपको भाजपा को सपोर्ट करने की, या क्या आइडियोलॉजी आपकी सेम मैच खाती है, मेल खाती है? अभी अभी आपने इंटरव्यू शुरुआत में बात कही कि समाजवादी पार्टी इस्लाम की बात करती है, AIM इस्लाम की बात करती है, बसपा इस्लाम की बात करती है, अब बताइए जब हिंदू सभा का नाम ही है तो हमें किसके साथ होना चाहिए? आपका प्रश्न ही जवाब है इसमें कि हिंदू सभा किसके साथ जाना चाहिए, केवल एक ही पार्टी बात कर रही है जो इस्लाम की बात नहीं कर रही है। कितने जनपदों में संगठन आपका पार्टी के लिए समर्थन दे रहा है उत्तर प्रदेश में? हम लोग लगभग 75 जिलों में सब में समर्थन दे रहे हैं, 68 मेरे जिला अध्यक्ष, कुछ हमने परिवर्तित किए हैं, उनकी 2 दिन में बदल रहे हैं, कुछ आपस में बात है, सब सहयोग सब कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कुछ बता रहे असमर्थता बता रहे हैं कि चुनाव में थोड़ा लग नहीं पाएंगे, व्यक्तिगत कारण है, तो उनकी जगह को कारवा जिला अध्यक्ष बना देंगे, और सब जगह हम लोग 403 सीटों पर नव हिंदू सभा भाजपा को पूरी तन मन धन से लड़ाएगी। वाजपेयी जी आप ब्राह्मण फेस हैं, लंबे समय से राजनीति भी कर रहे हैं, एक अरसा बीत गया, समाजवादी पार्टी का भी हिस्सा रहे, अब भाजपा में भी आपने वर्क किया, मैं ये जानना चाहता हूं कि अनुपम वाजपेयी ब्राह्मणों के लिए क्या कर रहे हैं, और इस सरकार में जो ब्राह्मण विरोधी बातें चल रही हैं कि योगी जी ब्राह्मण विरोधी हैं या ETC जो भी तमाम सारे उदाहरण रहे, चाहे वो खुशी दुबे का मामला हो या विकास दुबे का मामला हो, तो मेरा अपना निजी मत है कि अपराधी अपराधी होता है, उसकी कोई जाति नहीं होती, लेकिन आप खुशी दीवे के लिए लगातार जो है लंबे समय से प्रयासरत रहे, आवाज उठाते रहे, बुलंद करते रहे आवाज, तमाम BJP के मंत्रियों से भी आप समय समय से मिले, तो इसके पीछे क्या वजह है, क्या तर्क है, और कितना आप इस मेल नहीं खाती ये सोच आपकी भाजपा से? भाजपा से देखो हमने 2017 में वोट दिया तब माननीय योगी जी नहीं थे, पटल में कहीं चिन्ह का नाम नहीं था, भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मण समाज वोट दिया कि भाजपा को वोट देना है, 14 में वोट दिया तब भी माननीय योगी जी कहीं नहीं थे, पहली बात में तना चाहो 17 में भी योगी जी नहीं थे, 14 में योगी जी नहीं थे, ब्राह्मण समाज ने वोट दिया, लेकिन जो चीज घटनाएं हुई हैं, विकास दुबे अपराधी है तो समाज ने वो कर लिया कि हाँ अपराधी है, एक खुशी दुबे आप 3 दिन हुए शादी के आप उन्हें बंद किए हैं 1.5 साल से, क्या मतलब है उसका, उसकी जांच कई लोगों के मुकदमे वापस की गए, खुशी दुबे मुकदमा क्यों नहीं वापस हो सकता था, वो क्या षडयंत्र बना लेगी, क्या योजना बना लेगी, सडन घटना हुई वहां पे आए पुलिस वाले आए, उन्होंने गलत किया, सब कुछ किया वो किया, उसके बाद हरकत डॉक्टर पौधे हमने मांग की, हमने आंदोलन भी किया, हम माननीय विधायक जी के घर के आवास कर बैठे भी, हमने सब लोगों से कहा भी, निवेदन किया, आप भारतीय जनता पार्टी के विधायक को वोट दिया, सरकार बनाई है, आप अपने कम से विरोध तो करिए दर्ज, क्या हम ये थोड़ी ना बर्दाश्त करेंगे, आप हमारे लोगों को लाके एनकाउंटर कर दें, पर्ची मुकदमे लगा, इसका विरोध करते थे, इसका विरोध किया भी हमने, हमने फरकावत गए भी, हमें कई लोग साथी पकड़े भी गए, कई गाड़ियां हमारी बंद की, फिर पुलिस छोड़ दी शाम को, हम फरकावत मतलब इस रोड को बंद किया गया, हम लोग बेबस एंट्री की मैनपुरी जनपद से, तो हम भाई अगर ये बात आएगी समाज की तो हम लोग इसके साथ में है, इसका विरोध करेंगे कि उत्पीड़न मत किया जाए, ये बात को हम लोग 7 तारीख को नोएडा पंकज सिंह जी से मिल भी रहे हैं, वहां पे राजनाथ सिंह जी सुपुत्र जी से उनसे बात भी रखेंगे कि खुशी दुबे का जो गलत उसके साथ किया अन्याय किया जा रहा है वो बंद किया जाए, विकास दुबे के परिजनों को उत्पीड़न किया जा रहा बंद किया जाए, जो अपराधियों से किया हमने कुछ वो नहीं कह रहे, डॉक्टर अनुपम दुबे का परिवार है उसको मतलब उसे प्रताड़ित ना किया जाए, डॉक्टर अनुपम दुबे फर्जी मुकदमे ना लगाए जाए, राजकाउंट पे हटाया जाए, ये सब मांगे लेकर फिर से जा रहे हैं, हम एक बात और कहने जा रहे हैं अब क्या रहे कि हम 7-6 तारीख को मीटिंग उसमें रखेंगे भी, हम कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक जी भी रहेंगे, सब रहेंगे, अगर माननीय योगी जी उत्तर प्रदेश के द्वारा मुख्यमंत्री बनते हैं तो हमारी ये मांग रहेगी कोई भी ब्राह्मण जिसके ऊपर 5 से ज्यादा मुकदमे हैं उसे पैर में बीड़ी डालकर तो कचहरी ले जाया जाए, ताकि ये ना कह सके को भागने की कोशिश की, जैसे विकास दुबे का उनकी पत्नी ईशा दुबे कह भी रही है कि कई मंचों पे कि विकास दुबे के पैरों में भेड़िया वो सरिया पर राट पड़ी थी उसे कैसे भागने की कोशिश की, कई चीजें हैं, बात आप या तो न्यायालय के ऊपर छोड़िए कि खुशी दुबे का मामला आप कहते न्यायालय में छोड़ना चाहिए, विकास दुबे आप इनकाउंटर कर रहे हैं ये चीजें गलत थी, इसका हम लोग विरोध कर रहे थे। चलिए कुछ चीजें हैं जहाँ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन ये अच्छी बात है कि अपराधी अपराधी होता है चाहे वो किसी जाति से बिलोंग करता हो। वाजपेयी जी मुझे ये बताइए कि अब यूपी में चुनाव है, खेला क्या होगा, माहौल क्या है, सरकार कौन बनाएगा, यूपी की हॉट सीट पर दोबारा कौन बैठेगा? सरकार फिर से भाजपा बनाने जा रही है और जो कुछ है
इससे भी स्पष्ट है, लगभग जो चुनावी सर्वे सब बता रहे हैं सब भाजपा के पक्ष में, और खेला कुछ नहीं होगा, खेला यही है कि माननीय मोदी जी के फेस पे चुनाव हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी पुनः सरकार बनाने जा रही है, जनता अभी एक लहर सी निकलेगी, अभी 10 फरवरी का आपको अंतर लगेगा, खेला सब शुरू होगा, लोग कहेंगे हो क्या गया, और कोई खेला नहीं होगा, खेला केवल एक होगा कि भाजपा पुनः सरकार बनाएगी और पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। कॉन्फिडेंट 100% कॉन्फिडेंट है भारतीय जनता पार्टी पुनः सत्ता वापसी करेगी और समाजवादी पार्टी पंचर है साइकिल साइकिल तो पंचर है, कहने की जरूरत नहीं। ये थे हमारे साथ नव हिंदू सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुपम वाजपेयी जी, बात कर रहे थे हम लोग लखनऊ में आपके दफ्तर में बैठकर, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मेहमान के साथ। आइडियल इंडिया टीवी, हर खबर बेफिकर, सब्सक्राइब नाउ